हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में 25 नंबर प्रश्न तक देखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग 26 नंबर प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न है येलोरा गुफा का प्राचीन नाम है। विकल्प है झारखंड, कलयन, वातापी और बेरुल। तो इसमें जो चौथा विकल्प है बेरुल, ये येलोरा का प्राचीन नाम है या बादामी का पात वो बादामी गुफा का प्राचीन नाम वातापी है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्रश्न पढ़िए, तुरंत उसका सीधे उत्तर दीजिए, कुछ उसको डिस्क्राइब मत करिए। लेकिन डिस्क्राइब करने से भी जो है आप ही को फ़ायदा होता है, उस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ बातें आप लोगों को बता दी जाती हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर का प्रश्न। 1822 ईस्वी में बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस किसने लगाया? विकल्प है सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 1922 ईस्वी में हुलास लाल के द्वारा लिथोग्राफी प्रेस लगाया गया था। हालांकि ये लिथोग्राफी प्रेस बहुत सफल नहीं हुआ था। 1894 ईस्वी में राजा रवि वर्मा ने बड़ौदा के दीवान माधवराव के सहयोग से मुंबई के घाट कोपर में प्रेस लगाए थे और वो उसी प्रेस से कई चित्रों को इन्होंने छापा, जिसमें पहला चित्र था शकुंतला का जन्म, जो इन्होंने छापा चित्र से बनाया था। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। शिव की जटाओं में गंगा, यमुना और सरस्वती का चित्रण है। विकल्प है बादामी, एलोरा, एलिफेंटा और सित्तनवासल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है एलिफेंटा की गुफा। इसे एलिफेंटा की गुफा में गंगा, यमुना और सरस्वती जो शिव की जटाओं से निकल रही हैं मूर्ति में दिखाया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 29 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है लाल, काला, पीला, हरा, सफ़ेद रंगों के सही संयोजन दिखाई देते हैं अजंता में, बाघ में, सिगिरिया में, जोगीमारा में। तो ये पूछा है, प्रश्न दिया गया है कि ये चार पांच जो रंग हैं ये किस गुफा में दिखाई देते हैं। तो यहाँ लाल, काला, पीला और हरा, हरा रंग सिगिरिया में है जो श्रीलंका में स्थित है और नीला रंग बाह गुफा में है, वहाँ लाल, काला, पीला, हरा और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। अजंता की गुफा में लाल, काला, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद इन सभी रंगों का प्रयोग हुआ है। बाघ में लाल, काला, पीला, नीला और सफ़ेद, बाघ में हरे रंग का प्रयोग नहीं है और सिगिरिया में नीले रंग का प्रयोग नहीं है और जोगीमारा में केवल चार रंग प्रयोग हुए हैं, लाल, काला, पीला और सफ़ेद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सिगिरिया गुफा बैठता है यहाँ। तो तीसरा विकल्प सही है इसका। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा की मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प हैं ईवी हैवेल, राय कृष्णदास, एके स्वामी और चौथा विकल्प है पुर्तगाली। तो यहाँ ब्रह्मा की मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है आनंद कुमार स्वामी को दिया जाता है, जबकि अगर ये पूछता कि एलिफेंटा गुफा की खोज किसने की, तब उसका सही उत्तर पुर्तगाली हो जाता। लेकिन यहाँ ब्रह्मा की मूर्ति की खोज की बात की गई है तो ये आनंद कुमार स्वामी हैं, जो एक कला समीक्षक थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघु चित्रण परंपरा का प्रारंभ किस पर माना जाता है? यानी भारतीय लघु चित्र किस पर बने हैं, कहने का तात्पर्य है। तो विकल्प आपका देखे हैं कागज पर, वस्त्रों पर, ताड़पत्रों पर और शिलाओं पर। इसका सही उत्तर ताड़पत्रों पर होगा, क्योंकि यहाँ ताड़पत्र या इसी को भोजपत्र या राजताल कहा गया है। सबसे पहले अपभ्रंश शैली में लघु चित्र बने, इसके अलावा अपभ्रंश शैली में भी लघु चित्र बने हैं, लेकिन अपभ्रंश शैली में ताड़पत्र के अलावा वहाँ पर कपड़े पर भी चित्र बने हुए हैं, और वहाँ कागज पर भी पहली बार 14वीं सदी में चित्र बने। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किस शैली की रेखाएं कोणात्मक तरीके से बनी हैं? विकल्प है पाल, जैन, अजंता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जैन। तो जैन शैली में जो चित्रों की रेखाएं हैं वो कोणात्मकता लिए खींची गई हैं, रेखाओं में सभी जगह मोटाई एक समान है, तो यहाँ रेखाएं ज़्यादा कोणात्मक बनाई गई हैं। इसी जैन शैली को अपभ्रंश शैली भी कहा गया है, इसी को पश्चिमी भारतीय शैली कहा गया, इसी को गुजराती शैली कहा गया है, इसी को ग्राम्य या ग्रामीण शैली कहा गया। तो भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है। और आइए इस कड़ी का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश शैली का चित्रण समय है, विकल्प है 10वीं सदी, 12वीं सदी, 15वीं सदी, 12वीं सदी और 9वीं सदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12वीं सदी। यहाँ अपभ्रंश शैली के चित्र चित्रित करने की बात हो रही है, तो इसलिए उसका उत्तर जो है 12वीं सदी आपका सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पाल पोथियाँ किस लिपि में लिखी गई हैं? विकल्प है रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, चित्रात्मक लिपि। दोस्तों इसका उत्तर होगा देवनागरी लिपि, और ब्राह्मी लिपि में अशोक के लेख वगैरह जो खुदे हुए हैं उसमें अधिकांश ब्राह्मी लिपि से ही लेख। दोस्तों अशोक के स्तंभों पर, उनके शिलालेखों पर और सांची की स्तूप पर भी ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हुए मिले हैं, जो कि चित्रात्मक लिपि, ये सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह के लिपि मिले हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध चित्रकला का अंतिम प्रमाण किस शैली में मिलता है? विकल्प है जैन शैली, पाल शैली, अजंता शैली और पहाड़ी शैली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाल शैली। पाल शैली में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र चित्रित किए गए हैं,
और लामा तारानाथ ने जिस नाग शैली का उल्लेख किया था उस नाग शैली से ही पाल चित्रकला शैली का विकास हुआ। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पसूत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रति सुरक्षित है, विकल्प है राजस्थान के जैसलमेर संग्रहालय में, नरसिंह जी मेहता के पोल मंदिर संग्रहालय में, वाशिंगटन के फेयर आर्ट गैलरी में या बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। तो इसका जो सही उत्तर है नरसिंह जी मेहता के पोल मंदिर संग्रहालय में। आइए हमारा अगला प्रश्न है। ईरानी शैली की प्रमुख विशेषता है, नंबर एक धर्म प्रधान, रेखा प्रधान, सी लयात्मक, और चौथा विकल्प है भाव प्रधान। तो यहाँ ईरानी शैली रेखा प्रधान अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही है। आइए हम लोग 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, मुगल शैली का पैतृक गृह था, विकल्प है जापान, ईरान, इराक और चीन। इसका सही उत्तर है ईरान। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदर पक्षियों के चित्र किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बनवाए, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, रुबाबर। तो इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प है जहांगीर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान के शासकों को किस मुगल पांडुलिपि में चित्रित किया गया है, विकल्प है तूतीनामा, शाहनामा, बाबरनामा, तारीख एल्फी। तो इसका सही उत्तर है शाहनामा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली का स्वर्णिम काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है, विकल्प है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। इसका सही उत्तर है जहांगीर। दोस्तों यहाँ मुगल शैली का तात्पर्य मुगल चित्रकला से है, तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय में हुआ। हालांकि मुगल कला का या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जहांगीर है। आइए इस कड़ी का हम लोग 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारे 42 नंबर का प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस राष्ट्रपति ने करवाया, विकल्प है प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा। तो इस सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं इस देश के, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव का प्रारंभ हुआ, विकल्प है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इसका सही उत्तर है अकबर। यहाँ देखिएगा जो प्रश्न
पूछा गया है या मुगल चित्रकला का प्रभाव का प्रारंभ पूछा है। अगर मुगल चित्रकला में यूरोपीय पद्धति के चित्र किसके समय में बने, तब आपका उत्तर जहांगीर हो जाता, लेकिन मुगल काल में अकबर के समय ही दसवंत और बसावन अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश इत्यादि का प्रयोग करके मुगल प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिए थे। इसका उत्तर जो है अकबर होगा। आइए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहांकालीन स्याह कलम का विशेषज्ञ चित्रकार कौन था? विकल्प जो दिया गया उसमें है, पहला विकल्प फकीरुल्लाह, मोहम्मद नादिर होनहार, और चौथा विकल्प है मीर हासिम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है मोहम्मद नादिर, ये स्याह कलम में विशेषज्ञ था। दोस्तों, स्याह कलम शुद्ध शाहजहांकालीन विशेषता है, जिसमें रेखांकन करके एक ही रंग से, काले रंग की स्याही से रंग भर दिया जाता था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीवाने हाफिज नामक ग्रंथ पर चित्रण कार्य हुआ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, दीवाने हाफिज नामक पोथी का चित्रण गोलकुंडा में हुआ था, जो दक्षिणी शैली का एक भाग है। एक दक्षिणी शैली से एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न है नुजूम उल उलूम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ आधारित है। विकल्प है तर्कशास्त्र, शेरो शायरी, खगोल शास्त्र, मुस्लिम जगत का इतिहास। तो इसका सही उत्तर है खगोल जगत, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित ग्रंथ है ये। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बनी ठनी के चित्र का आकार है 19x30 फीट, 30x25 फीट, 19x25 फीट, 15x25 फीट। तो इसका सही उत्तर है 19x25 फीट। दोस्तों, बनी ठनी किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जिसे निहालचंद के द्वारा राजा सावंत सिंह के समय में चित्रित किया गया था। ये हम लोग देखते हैं हमारा 48 नंबर का प्रश्न है, दशा दरबार किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? विकल्प है जोधपुर शैली, बूंदी शैली, अजंता शैली और मुगल शैली। तो इसका जो सही उत्तर है वह जोधपुर शैली। लोग 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लोग 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दो वृद्धों का मिलन किस शैली में बना चित्र है? विकल्प है जयपुर शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली और मेवाड़ शैली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नागौर शैली। नागौर शैली में वृद्धावस्था के बड़े सुंदर चित्र चित्रित किए गए हैं। इसमें दो वृद्धों का मिलन है, ठाकुर इंद्र सिंह के वृद्धावस्था का चित्र है। आइए हम लोग 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी कला का प्रभाव है। विकल्प है अजंता कला का, कंपनी कला का, आदिम कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अजंता कला का। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। टेस्ट सीरीज के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करिए।
वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।